आज हम बनाने वाले हैं बांगड़ा फ्राई। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बांगड़ा फ्राई की रेसिपी। तो इसके लिए हमने होममेड मसाला नमक और नींबू मिक्स कर लिया था और अब हम उसे लगा रहे हैं। आपको भी इसी तरह से लगाना है इसे। हमारा तेल ऑलमोस्ट अच्छे से गरम हो चुका है। आप चाहे तो फ्राई पैन में भी तल सकते हैं इसे मच्छी को। तो अब हम इस मच्छी को तल लेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके फिश रखेंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका तेल जो है वो अच्छे से गरम हुआ है, तभी हमारी मच्छियाँ जो है वो अच्छे से कट जाएगी। एक टाइम पर मैं सिर्फ 2 से 3 ही मच्छियाँ इसमें रखूंगी जिससे वो अच्छी तरह से तल जाए। इसे हम जो मच्छी तल रहे हैं वो है बांगड़ा। इसे बांगड़ा कहते हैं। इसे हमने पूरी तरह से कट करके मसाला लगा दिया है और अब हम तल रहे हैं इसे। अब हम इसे दूसरी साइड फिरा लेंगे क्योंकि एक तरफ जो है आप देख सकते हैं हो गया है, जो प्रॉपर तल चुकी है एक साइड। हम दूसरी तरफ फ्राई के लिए फिरा लेंगे। अब इसे इसी तरह से हम सारी मछलियों को एक साथ दूसरी साइड हम फिरा लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए वापस होने देते हैं। तो फूडीज, हमारे बांगड़ा फ्राई जो है वो एकदम रेडी है, मसालेदार और एकदम टेस्टी। तो मुझे नक्की से कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे आपको, और आप भी ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।